धनिया, ए धनिया, तेरे बाबू कहाँ गए रे? घास काटने। घास काटने? अभी से? भूल गए क्या? पंडित जी के यहाँ जाना था ना आज सवेरे। खाली आज जाऊंगा क्या? कुछ भेंट भेंट ले जाऊंगा कि नहीं? ये घास भेंट के लिए है क्या? और क्या, तू जा अपना काम कर, उनको बैठाएगी काहे पर ये सोच? हमारी खटिया पर मुखिया जी के यहाँ से मांग लाएंगे खाट। पगला तो नहीं गई? आग जलाने के लिए अंगार तक तो मिलता नहीं, और वो खटिया दे देंगे तो फिर? धनिया से कह महुए के पत्ते तोड़ लाए, उसी की आसनी बना ले। ठीक है। और पंडित जी को सीधा भी देना होगा, उसके लिए तो थाली लगेगी, वो भी पत्तों की बना ले। महुए के पत्ते बड़े पवित्र, बड़े बड़े। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आया ना? अब ठीक है। अच्छा सुन, जूरी गौंड की लड़की को साथ ले जाना, और साजी की दुकान से सीधे की सब सामग्री ले आना। हाँ, क्या क्या? शेर भर आटा, आधा शेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन हल्दी। याद रहेगा? हाँ। बोल तो। एक शेर चावल, शेर भर आटा, शेर भर आटा, हाँ, आधा शेर चावल, बोल, आधा शेर चावल, हाँ, पाव भर दाल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, आधा पाव घी, नॉन हल्दी, नॉन हल्दी, और पत्तल के किनारे एक चवन्नी रख देना, हाँ, और छूना मत। सुनो, आज मत जाना, अभी बुखार से उठे हो ना, कल चले जाना। मुझे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए, इसी बुखार के मारे नहीं गया। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। धनिया इधर आओ। आज कौन आने वाला है जानती हो? कौन? पंडित जी। हाँ, काहे के लिए ये तो बता। हाँ, अच्छा जा, जाके महुए के पत्ते ले आ। हाँ, पत्तल बनेगी, आसनी बनेगी। हाँ, खूब सारे लाना। हाँ, जा। और सुन, पत्ते लाने के बाद घर पर ही रहना, पंडित जी अगर तुम्हें मिलना चाहें तो। हाँ, पकड़ नहीं जाओगे? सुबह से एक दाना नहीं गया मुंह में। आकर खाऊंगा, नहीं तो पंडित जी निकल जाएं। फिर जो कहीं चक्कर आ गया रास्ते में। यहाँ की सब तैयारी ठीक करके रखना।
कौन है? दुखी महाराज, आप ही से मिलने आया हूँ। काहे के लिए? विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और उसका साइड सगन बिचार दे। अभी आपकी सेवा की सब सामग्री तैयार करके आया हूँ महाराज। तो क्या खड़ा हो गया यहाँ? चल यहाँ से, देर हो जाएगी। तू क्या सोचता है मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ू? नहीं महाराज, मुझे पता है आपको दम लेने की भी छुट्टी नहीं, पर आपके बिना मेरी बिटिया की सगाई भी तो पक्की नहीं हो सकती। देख उधर झाड़ू पड़ी है। हाँ महाराज। उसे ले ले और बरामदे की सफाई कर दे। जी महाराज। मैं आऊंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। जो होगा महाराज। महाराज ये घास का गट्ठर कहाँ रख दूं? गैया के सामने डाल दे। जी महाराज। बोल दे। एक सेर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी। एक सेर चावल? नहीं नहीं, आटा। एक सेर आटा। महाराज झाड़ू लगा दी महाराज। अच्छा अभी ऐसा कर, बाहर घर के सामने है सड़क के उस पार गोदाम है, वहां भूसा पड़ा है, वह उठा के भूसौली में डाल दे। बहुत अच्छा महाराज। और सुन तू क्या, भूसा रख के फिर लकड़ी चीर देना, बाहर बड़ के नीचे कुंदा पड़ा है, छोटे छोटे चीले कर देना उसके। समझा? जी महाराज। Thank you.
महुए के पत्ते। रख दे वहां। पत्तल बना? बनेगा तो उससे। काहे नहीं? पर देख, छेद में रहे, नहीं खुल रहा उसी रास्ते झर जाएगा। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सन्याति नवानि देही। अर्थात जिस प्रकार आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए बच्चा तुझे समझना चाहिए कि तेरी घरवाली भले शरीर से मर भी गई हो, उसकी आत्मा जीवित है। आप धन्य है महाराज, बड़ी शांति मिली इस विचार से। फिर काहे को अपना जी दुखाते हो? फिर ब्याह कर लो, अभी तुम जवान हो। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अब मुझको ही देखो, यह मेरी तीसरी पत्नी है। पहली पत्नी विवाह के 7 महीने अंदर परलोक सिधारी। साल भर बाद मैंने फिर ब्याह कर लिया। 3 साल बीतते बीतते मेरी दूसरी पत्नी नहीं रही। सांप ने काटा, तरह था टखने पर काटा, 2 घंटे में चली गई। दो बरस बाद मैंने फिर ब्याह कर लिया। तुम्हारे अपने सगे बिछड़ने से जीवन नहीं रुकता, वो तो चलता ही रहता है। लकड़ी चीर डाली? कुल्हाड़ी कहाँ है महाराज? वो गोदाम में होगी। हमारा तो धर्म है कि हम विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। पहली पत्नी से तुम्हें कोई लड़का नहीं है। नहीं महाराज। इसलिए जरूरी है कि तुम फिर ब्याह करो और अपना वंश चलाओ।
लकड़ी काटना जानते हो भैया? काटता तो हूं मैं घास, अब ये लकड़ी काटना मैं क्या जानू। तो फिर क्यों बेकार हलाकान होते हो? महाराज का हुक्म है भैया, उनको घर ले जाना है, बिटिया की सगाई का दिन बिचार देंगे। इसीलिए उन्होंने तुमको ये लकड़ी पकड़ा दी है चीरने के लिए? मैं तो चीर भी देता अगर पेट में कुछ चारा पड़ा होता तो, सवेरे बखत ही नहीं मिला खाने का। तो क्या वो तुम्हें खाना भी नहीं दे सकते? भले पैसे ना दें, कहो ना उनसे। घर चले चले यही क्या कम है, खाना किस मुंह से मांगू। तो फिर चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ कुल्हाड़ी। एक बीड़ी मिल जाती तो दम आ जाता। ऐसी बात नहीं है कि मेरे हाथों में जोर नहीं। बीड़ी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना, रखो कुल्हाड़ी। पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई। धनिया जा सड़क पर देख क्या। कोई आता नहीं दिखे अम्मा। लो आगे तो नहीं। कोई बात नहीं, पंडताइन जी से ले लूंगा। तो जाओ, मैं लौटते में फिर मिल लूंगा। महाराज ये बार बार क्यों आ रहा है जी? मुझको अपने घर ले जाएगा, उसकी बिटिया की सगाई का दिन बिचारना है। इस दोपहरिया में जाओगे? मैंने उसे काम दे दिया है, पहले वो तो हो। क्या काम? लकड़ी चीरने को कहा है। चिलम के लिए थोड़ी आगे मिल जाती महाराज। वो तो आगे मांग रहा है। तो दे दो ना थोड़ी सी। तुम्हें धर्म कर्म किसी बात की सुधबुद्धि नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला है। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। उसे कह दो जी कि चला जाए यहां से, नहीं तो लुआटी उठाकर मुंह में लगा दूंगी। वो हमारा ही तो काम कर रहा है ना, इसके लिए कोई मजदूर लगाया होता तो कम से कम 1 रुपया देना पड़ता उसको। दे दो ना थोड़ी सी आगे। वो दोबारा घर के अंदर आया तो मुंह झुलस दूंगी। क्षमा करें माई, बड़ी भूल हुई मुझसे, घर के अंदर चला आया। इतने मूर्ख ना होते तो लात जूता क्यों खाते। चमरवा को कुछ खाना मिला? शायद ना खाए हो, यही तो है सवेरे से। खाली पेट लकड़ी कैसे चीरेगा? तो दे दो ना कुछ खाने को। क्या? मैं क्या जानू, कुछ बचा नहीं है। 2-4 रोटियां होंगी। 2-4 से क्या होगा, चमार है, कम से कम सिर भर तो चाहिए उनको। तो रहने दो से, इस गर्मी में कौन मरे। Thank you.
मेरी जान ही क्यों निकल जाए, चीख कराऊंगा। राम चौधरी, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बाहर में जा, जाओ रे। क्षमा करना महाराज, निगोड़ी हाथ से फिसल गई, आगे फिर नहीं होगा महाराज। क्या हुआ भगवान दास? क्यों? मुझे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। किसने? वो चमार। शिव शिव शिव, पर क्यों? पगला गया होगा। इधर मत आना, उधर ही रहो, उधर ही रहो, इधर मत आना। यहाँ सोने को आया क्या? दुखिया, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं महाराज। तो क्या, काम पूरा करके अपने घर जाना और खाना लटके? लकड़ी तो अभी जो की त्यों पड़ी है, फिर साइज भी वैसे ही निकलेगा। मुझे दोष मत देना, चलो शुरू करो। हाथ में तो जैसे दम ही नहीं। लगा कसके, हन हन के मारना जब तक गांठ फट ना जाए।
हो गया क्या? अरे तू क्या खड़ा है यहाँ? जा खेल, तुलसी के घर जा, चल चल। सुनती हो? अच्छी सुनती हो? गजब हो गया। क्या हुआ? दुखिया मर गया। कौन दुखिया? अरे वो चमार। चमार मर गया? लेकिन वो तो लकड़ी चीर रहा था। चीरते चीरते ही तो मर गया। सो तो नहीं ना गया? मैं क्या जिंदा मुर्दा नहीं समझता? तो तुम क्यों घबरा रहे हो जी? चमार बस्ती में खबर कर दो, क्या कर अपना मुर्दा उठा ले जाए। हाँ, बात ऐसी है कि हमने, मेरा मतलब यह है कि क्या आए बाएं बकरे हो जी? लकड़ी चीर रहा था, मर गया। बीमार रहा होगा, कुछ लोग नींद में नहीं मरते। फिर तुम क्या जानते थे कि वो मर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जाओ उन्हें कहला दो। बामन देवता, साधु महात्मा, क्या हुआ? मर गया। कौन? दुखी चमार। चमार मर गया? लकड़ी चीरते चीरते ही वो मर गया। इन्हीं बामन देवता ने जोर जबरदस्ती उसे काम कराया है, इसीलिए जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो यहां आएंगे, तुम लोगों से मुर्दा उठाने के लिए कहेंगे, लेकिन उनकी एक भी मत सुनना, लाश को छूना भर मत, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये पुलिस का मामला है, क्योंकि इन्हीं बामन देवता ने यह सब किया है। एक बात सुनो भैया, अभी थोड़े देर पहले मेरे घर के सामने दुखी मर गया। मैं उसके साथ उसके घर आने वाला था, वो अचानक मर गया। बात ऐसी है कि लाश कब तक पड़ेगी वहां?
मैं जानती थी, मैं जानती थी वो मेरे आते से बात करती थी। मैं जानती थी ड्राइवर के इसलिए से उठाने का कुछ बड़ा गंभीर मामला है पंडित जी। जब तक मुर्दा वहां से नहीं हटे हम लोग उस रास्ते पानी लेने नहीं जा सकते। आखिर पानी बिना कब तक चलेगा, कैसे? मैं अभी चमार बस्ती जाकर उनसे कह आया हूं, वो आते ही होंगे। आप ऐसा कीजिए, अपने अपने घर जाइए, घंटे भर बाद फिर आइए। जाइए। क्या हुआ? वो नहीं सुनते। नहीं सुनते क्या मतलब? वो लाश नहीं हटाएंगे। तो क्या हम हटाएंगे? वो सब मुझसे मत पूछो। तुमने उनसे क्या कहा? क्या जो कहना था वही कहा। दुखी मर गया है, तुम जाकर लाश उठा लाओ। फिर क्या, उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, उल्टे मुझे लाल लाल आग दिखाई। फिर मैं वहां नहीं खड़ा रह सका। बारिश हो रही है और अभी लाश यहीं पड़ी है। सुनते हो? खोलो आंखें खोलो। भगवान, ये किसका शराब लगा मुझे? दो दिन बाद बिटिया का ब्याह, बोले पंडित जी को बुला लो। कौन जानता था फिर पलटे भी नहीं। कितने कटकलेजे हो गए तुम, सोचा भी नहीं हमारे ऊपर क्या बीतेगी। महाराज, 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 आपने उससे लकड़ी चिरवाई महाराज, उससे कड़ी मेहनत करवाई, जबकि वो अभी अभी बुखार से उठा था। उसके पेट में खाना नहीं था, बदन में ताकत नहीं थी। आपका क्या बिगाड़ा था महाराज, क्या बिगाड़ा था जो आप इतने निर्दयी हो गए? तुम्हारी मत मारी गई थी जो से लकड़ी चीरने को कहा। मैं क्या जानता था वो खाली पेट आया है? कहा तो था तुमसे दे दो कुछ खाने को। तुमने कहा था या मैंने कहा था? पर दिया तो नहीं तुमने, अब जो दोष है सब मेरा है। कितनी कड़ी मेहनत करवाई उसे। मेहनत के लोग करते नहीं, सब मर थोड़े ही जाते हैं।
कहीं पुलिस को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा, इतने बारिश में तो वो आने से रहे। बहुत ही जल्द मुर्दा गंधाने लगेगा, तुम उसे उठा नहीं सकते और उठाने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर अब तुम अपने बकबक बंद करो ना, सोचने दो मुझे जरा, सोचने दो, सोचने दो। पवित्र पवित्र वा सर्वभूतांग दोपिवाय स्मरेत पुण्यदीक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वभूतांग दोपिवाय स्मरेत पुण्यदीक्षम सबायाभ्यंतर शुचि। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग दोपिवाय स्मरेत पुण्यदीक्षम सबायाभ्यंतर शुचि।